चलिए बात करेंगे चैत्र नवरात्रि का। आज तीसरा दिन है और माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। सुबह से ही देवी माँ के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। सुबह से ही माँ के दर्शन करने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है और लोगों में पूरी आस्था के साथ माँ की पूजा अर्चना हो रही है। पूरी श्रद्धा के साथ देवी माँ की पूजा अर्चना कर परिवार के लिए मंगल याचनाएं की जा रही है। तो ये तस्वीरें सामने आई है जब मंदिरों में उमड़ती हुई भीड़ जो है वो दिखी है। माँ चंद्रघंटा की आज पूजा करने का विधान है और ये कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा का रंग जो है वो स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 3 नेत्र हैं और 10 हाथ हैं और ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है माँ चंद्रघंटा। शेर पर आरूढ़ हैं यानी शेर पर सवार हैं माँ और युद्ध में लड़ने के लिए भी उन्मुख हैं। तो चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन और ये तस्वीरें सामने आई हैं जब सुबह से ही श्रद्धा का जो सैलाब है वो मरता हुआ दिख रहा है। आस्था के सरोवर में आज सभी जो श्रद्धालु हैं वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि आज सुबह से ही जल जो है वो चढ़ाने की परंपरा नवरात्रि में होती है और माता के मंदिरों में अलग अलग जगह जो है वो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है वो आज आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है। हमारे साथ दतिया से राजीव हैं, हमारे साथ संजय साहू जबलपुर से और हमारे साथ जीवानंद हलदर जगदलपुर से जुड़ गए हैं। उन सभी से जानने की कोशिश करते हैं। जगदलपुर सबसे पहले चलते हैं। जीवानंद, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि आज माँ चंद्रघंटा का जो है वो आज दिन है और ऐसे में तीसरा दिन जो है वो माता के स्वरूप के लिए पूजा जाता है। कहा जाता है कि माँ जो है वो स्वर्ण के समान चमकीली है और ज्ञान और दैदित्यमान से जगमगाने वाली हैं। किस तरह का जो है वो मंदिरों में उत्साह जो है आप देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आज नवरात्रि का जो तीसरा दिन है, आज माता भगवती भक्तों जनों को चंद्र घंटा के रूप में दर्शन दे रही है। यही कारण है कि सुबह से ही जो श्रद्धालु है देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता की आराधना कर रहे हैं। बताया जाता है कि आज के दिन अगर कुमारी कन्याओं की मीठा या मिष्ठांश भोग लगाकर पूजा अर्चना की जाए तो बहुत फलदायक होती है। वही आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, इससे जो जैसे ही चैत्र नवरात्रि शुरू हुआ है वैसे ही सभी देवी मंदिरों में माता के जयकारों के साथ जो प्रकार की भजन पूजन कार्य चल रहा है, वही अगर शहर की बात करें, शहर में चौक चौराहों में जो राम दरबार में सजा हुआ है, मानो पूरा नगर भक्तिमय हो चुका है, भक्ति में डूबा हुआ है। और यही कारण है कि लोग आप माता की पूजा अर्चना में लीन है, ज्योति कलश की पूजा करिए। इस समय मैं दंतेश्वरी मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ की अगर बात की जाए, यहाँ सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो मंदिर में पहुंचे हैं। यहाँ सुबह जैसे ही मंदिर का पट खुला है वैसे ही लोग यहाँ पर पहुंच माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं INS 24/7 के जितने दर्शक है उन्हें उनको बताना चाहूंगा, बस्तर से सीधा माँ दंतेश्वरी की सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं, माँ का दर्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के दुर्लभ दर्शन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कई शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है, माँ दंतेश्वरी माता है। मैं सभी श्रद्धाओं से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप सीधा घर बैठे जो बस्तर नहीं आ पा रहे वो हमारे चैनल के माध्यम से माँ के दर्शन करें, ताकि और माँ से मिन्नती मांगे। और आप देख सकते माँ की जो मुखमंडल चमकीला मुखमंडल है, माँ सभी विराजमान है और यही मंदिर में सभी श्रद्धालु जो है माँ की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी जो श्रद्धालु हैं माँ से यही मिन्नती कर रहे हैं, सुख समृद्धि की मिन्नती कर रहे हैं। सुबह से ही माँ की विशेष पूजा किया गया है, इनके जो विशेष श्रृंगार किया गया है, उसके बाद माँ की पूजा अर्चना की गई है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज माँ के मंदिर में आए हैं, क्या कहेंगे, कितना खुश है? बहुत खुशी मिल रहा है और बहुत अच्छा माहौल है, राम दरबार लगा हुआ है सामने में, शाम को बहुत अच्छा माहौल लग रहा है और भक्तिमय ये नवरात्रि जाएगा इस बार। 2 सालों से लोग मंदिर नहीं आ पा रहे थे, कोरोना समाप्त हो चुका है, कितना खुश है? बहुत खुशी मिल रहा है कोरोना के मुकाबले, और मतलब आने वाला ये 2 साल में श्रद्धालु बढ़े हैं और शहर का माहौल वाकई में लग रहा है कि कुछ है।
तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे के साथ अपने परिवार के साथ माँ के जो दर्शन करने पहुंच रहे हैं, और अब देख सकते हैं छोटे जो बच्चे हैं ये भी माँ के दर्शन कर रहे हैं, माँ से विनती मांग रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन अगर माँ की पूजा आराधना की जाती है, आज माँ की जो है नील रंग पसंद है, और इस नील रंग से अगर माँ की पूजा अर्चना की जाए तो माँ अत्यंत खुश हो जाते हैं। और यही कारण है कि लोग आज सुबह से ही आप देख सकते हैं कि हाथ को जोड़कर ऐसी कुछ मांग रहे हैं। ये मंदिर दंतेश्वरी माता के मंदिर है, माना जाता है कि यहाँ पर कोई भी भक्त कोई भी श्रद्धालु अगर अपने सच्चे मन से माँ के दरबार पर पहुँचते हैं, माँ से मन्नत करते हैं, तो उस पूरा माँ उनकी रक्षा करते हैं, मुराद जो है वो सबकी पूरी होती है। माँ को सबसे ज्यादा अगर पसंद है आज के दिन तो वो हरा रंग भी जो है खास तौर से प्रिय माना गया है, और यही वजह है कि हरा रंग अगर कोई धारण करता है तो उसको सुख समृद्धि मिलती है। और तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं आपके माध्यम से, और माँ दंतेश्वरी के आपने दर्शन कराए हैं, वो सौभाग्य भी हमारे दर्शक जो है वो जरूर ले पा रहे होंगे, क्योंकि जो घर बैठे हैं और नहीं ले पा रहे हैं दर्शनों का लाभ वो ले सकते हैं। संजय साहू हमारे साथ जबलपुर से बने हुए हैं। संजय, जिस तरह से बात करें वीरता निर्भयता और सौम्यता और ज्ञान का अगर भंडार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का विशेष विधान है। सांसारिक कष्टों से अगर मुक्ति पाना है तो माँ चंद्रघंटा का ही अगर पूजा अर्चना की जाए तो वो मिलती है। आज आप कौन से मंदिर में खड़े हैं, क्या उत्साह जो है वो दिख रहा है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कार धानी की, तो जैसा नाम है यथा काम है, अगर हम यहाँ पर दासनक नगरी भी इसको कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जबलपुर में नर्मदा माँ जो साक्षात यहाँ पर बहती है, और साथ में चैत्र नवरात्र की अगर हम बात करें तो लगातार जो है मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के एकमात्र शक्तिपीठ मंदिर ज्वालामुखी मंदिर। अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है यहाँ के पुजारी चेतनानंद जी महाराज, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज चंद्रघंटा माता की पूजन है किस प्रकार से होगी, और साथ में किस प्रकार से वो माहौल। महाराज जी, अगर हम बात कर रहे हैं आज की, तो जो चंद्रघंटा माता है उनकी पूजा यहाँ पर हो रही है, किस प्रकार से देख पा रहे हैं आप? जो वामन शत्रु पर पीड़यन्तीं गदाभिघातं निजदर्शनं पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। हम सभी लोग सनातन परंपरा के को मानने वाले, हमारे यहाँ शक्ति की उपासना का केंद्र माना जाता है, हम सभी लोग भगवती की आराधना करते हैं, और यह नवरात्रि पर्व जो होता है शक्ति संचय का पर्व माना जाता है। हम सभी लोग नौ दिन में भिन्न भिन्न रूप में भगवती के स्वरूपों को देखते हैं, उन स्वरूपों भगवती की उपासना करते हैं। भगवती पीताम्बरा माँ के सानिध्य में हम सभी लोग यहाँ पर भक्त प्रातः काल से साय रात्रि मध्य रात्रि तक यहाँ पर निरंतर भगवती की पूजन होती है। आज चंद्र प्रथम सलभूति द्वितीय ब्रह्मचर्य तृतीय चंद्र घंटे थी, चंद्र घंटा के स्वरूप में भगवती का पूजन होगा, और उस पूजन में अपनी मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पर पूजन करते हैं। निश्चित रूप से भगवती उनके सारे मनोरथ को पूर्ण करती है। महाराज जी, बात करें इस समय मंदिर की, हम बात करें बगलामुखी माता की बात करें, तो शक्ति एकमात्र शक्ति पीठ कहा जाता है, किस प्रकार से मंदिर की ये मान्यता है? अष्टमी तो स्तम्भनी विद्या भगवती पीताम्बरा बगला जो है स्तम्भनी विद्या है, शत्रुओं का समन करती हैं। जो भगवती की आराधना करता है उसके बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश होता है। भगवती ब्रह्म विद्या भी माना जाता है, वैष्णवी शक्ति है, इनकी उपासना सभी प्राणी मात्र के लिए शेखर होती, इसलिए इनकी उपासना करनी चाहिए। भगवती भगवती पीताम्बरा पीत पुष्पी पीत वस्ती पूजता वेदायनी भगवती पीताम्बरा बगलामुख की पूजन समस्त पीतोपचार से यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारी इच्छा है यम यम चिंतित कामम तम तम प्राप्त नोति निश्चितम, जो जो हमारी इच्छाएं होती हैं भगवती उन सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो देख सकते हैं कि भगवती जो है वो पूरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, और यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर तांता लगा रहता है। अभी मंदिर के पट खुले, अब धीरे धीरे लोगों का
आगमन जो है वो शुरू होगा। बिल्कुल संजय, हम देख पा रहे हैं माँ बगुलामुखी के बारे में भी कहा जाता है कि जो साधक सच्चे मन से माता की प्रार्थना करता है उनके शत्रुओं का नाश जो है वो माँ बगुलामुखी करती है। और इस कलयुग में माँ बगुलामुखी की जो पूजा अर्चना करने का भी विधान है। हमारे साथ दतिया से राजीव भी बने हुए हैं। दतिया, विश्व प्रसिद्ध अगर हम बात करें तो माँ पीताम्बरा पीठ है जहाँ पर लोग जो है वो दूर दराज से, यहाँ तक कि विदेशों से भी पहुंचते हैं। तो आप कौन से मंदिर में खड़े हैं और आज माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना हो रही है, उन्हें कहा जाता है कि खीर का प्रसाद जो है वो उन्हें चढ़ाया जाए, मिश्री बहुत उन्हें पसंद होती है और शक्कर जो है वो अगर उन्हें खिला दी जाए, प्रसाद भोग लगा दिया जाए तो माँ प्रसन्न होती है, आज किस तरह से श्रृंगार हुआ है वो भी जरूर जरूर दर्शन कराएगा हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा का दिन है और देवी मंदिरों में माँ चंद्रघंटा के क्षेत्र में माँ के दर्शन हो रहे हैं। आज हम विश्व प्रसिद्ध देवी तांत्रिक मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं और देवी माँ बगुलामुखी के दर्शन कर उन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देवी पीताम्बरा का यह मंदिर साधकों की साधना के लिए विशेष महत्व रखता है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ साधक पहुँचे हुए हैं और साधना में यहाँ हम आपको सीधी तस्वीरों में यहाँ दिखाएंगे कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ साधक पहुँचते और दर्शन कर यहाँ साधना करते हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि साधकों को भी दिखा के दर्शन करके हम लाभ प्राप्त करते हैं। माँ बगुलामुखी की क्या साधना है हम उनसे जानेंगे, किस प्रकार से माँ बगुलामुखी की साधना यहाँ पर साधना चल रही है, साधना करने में पीछे आप सभी तस्वीरों को दिखाएंगे। बगुलामुखी की एक गर्भ गुफा है, इस गर्भ गुफा के बाद माँ बगुलामुखी का मंदिर बना हुआ है जहाँ खिड़की से माँ के दर्शन की जाती है। इसके आगे कैमरा ले जाना प्रतिबंध है, इसलिए यहीं से हम आप सभी को माँ बगुलामुखी के दर्शन करा रहे हैं। तो बिल्कुल माँ बगुलामुखी के भी दर्शन जो है राजीव हमारे जो सहयोगी हैं वो कराते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट भी लगातार दे रहे हैं कि कितना उत्साह जो है वो मंदिरों में है। हमारे साथ संदीप करियार भी जुड़ गए हैं बिलासपुर से। संदीप, जिस तरह से बात करें माँ चंद्र घंटा का स्वरूप और कहा जाता है कि उनके मस्तक पर जो घंटा है वो एक तरह से अर्धचंद्र के रूप में दिखाई देता है और यही वजह है कि उनका जो चमकीला स्वरूप है, वर्ण उनका बहुत स्वर्ण की तरह चमकता हुआ रहता है। और अभी आप कौन से मंदिर में खड़े हैं, कितना उत्साह है और दर्श जो श्रद्धालु है वो कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे और पंडित जी से जरूर बात करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से आज माँ की पूजा अर्चना होनी चाहिए। देखिए सीता, आज हम जहाँ मौजूद हैं बिलासपुर के तिफरा स्थित काली माता का मंदिर है, ये लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है माँ काली माता और यहाँ हजारों की संख्या में रोजाना ही जो भक्त और श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, माता टेकते हैं और यहाँ की मान्यता ऐसी है कि दरबार में माता टेकने से उनकी मन की मुराद पूरी हो जाती है। आज नवरात्रि का ये तीसरा दिन है जहाँ माँ सिर पे सवार होती हैं, इनका चमकीला स्वरूप होता है, 10 भुजाएं होती है और ये भक्तों के लिए को खूब आशीर्वाद देती है, उनकी मन की मुरादें को पूरी करती है। ये आस्था का सबसे बड़ा मंदिर है बिलासपुर के तिफरा का। काली माता की महिमा काफी अपरंपार है, यहाँ हजारों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु पहुंचते हैं। अभी देखिए मंदिर के भीतर ही मुख्य पुजारी जी जो बैठे हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, अखंड ज्योति जल रही है, 3100 से ज्यादा यहाँ पे दीपक जो है वो प्रज्वलित किए गए हैं। यहाँ दूर दराज से भी जो श्रद्धालु आते हैं और माँ के दरबार में माथा टेकते हैं, सीधे तौर पे उनसे एक श्रद्धालु उनसे बातचीत करेंगे कि बताएं कि क्या नवरात्रि के क्या कहेंगे आप, मंदिर दरबार आए। बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारा शादी का सालगिरह है तो उसी के लिए आए हैं माँ के दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या आज हुआ? यही तिफरा से ही आए हैं उपवास। और कौन कौन से मंदिर जाते हैं? अभी तो दुर्गा गणेश जी जी सर आपके गणेश मंदिर और दुर्गा मंदिर का क्या है, काली माता का दर्शन करने से कैसा सुकून मिलता है? अभी से नहीं, हम करीब करीब 30-35 साल से दर्शन करते हैं, ऐसे आज नवरात्रि है करके नहीं, हम लोग महीने में एक बार दर्शन करते हैं। देखिए सीता, आस्था का ऐसा प्रतीक है कि ना सिर्फ केवल नवरात्रि में बल्कि काली माता के दर्शन करने के लिए लोग रोजाना भी यहाँ माता टेकने आते हैं
ये काफी पुरानी मंदिर है बिलासपुर के तिफरा का, और यहाँ आस्था का एक प्रतीक के तौर पे माँ चंद्रघंटा के रूप में आज स्वरूप दर्शन दे रहे हैं। ये नवरात्रि पूरे 9 दिन का होने वाला ये नवरात्रि है, इसमें कोई इस बार क्षय नहीं होगा इन दिनों में। और यही कारण है देखिए माता का जो स्वरूप है बेहद ही आप देखिए किस तरीके से माता के काली माता के दरबार में लोग पहुंचे हुए हैं, और तमाम जो तैयारियां हैं वो मंदिर प्रबंधन की ओर से भी की गई, क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ पहुंचते हैं और उनको व्यवस्था बनाना उनके लिए बेहद ही आवश्यक तौर पर होता है। और बताएंगे आप नवरात्रि के लिए क्या कहेंगे? कहाँ हम लोग रायपुर से आ रहे हैं अभी जी। हर बार आते हैं कैसे? नहीं नहीं, यहाँ मेरा मायके है तो मैं वहाँ आई हूँ, तो मैं बोली नवरात्र का समय है तो काली माता के दर्शन कर लेते हैं। पूजा अर्चना होती है? बहुत अच्छी क्या है, हम लोग क्या शुरू में जब छोटे बच्चे थे तो यहाँ तो बिल्कुल हमारे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। बिलासपुर से हमारे साथ संदीप करियार जुड़े हुए थे और बता रहे थे, उनसे एक श्रद्धालु जो है वो बातचीत भी कर रही थी कि बचपन से वो यहाँ पर पहुंचती रही हैं। हमारे साथ रायपुर से भी मोनिका दुबे जुड़ गई हैं। मोनिका, जिस तरह से बात करें आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, और ऐसे में माँ की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। ये कहा जाता है कि माँ जो है वो सबको जो है दर्शन देती है, आशीर्वाद जो है वो देती है, और इस तरह से अगर आज वैसे तो अलग अलग स्वरूपों की पूजा ही होती है लेकिन आज माँ चंद्रघंटा का विशेष पूजा करने का महत्व। आप कौन से मंदिर में खड़ी है, किस तरह का जो है वो उत्साह देख पा रही है श्रद्धालुओं में? आज बिल्कुल आज चैत्र नवरात्र का जो तीसरा दिन है एक अहम दिन माना जाता है। वैसे तो नवरात्र के 9 दिन ही अहम है लेकिन माता के जो 9 रूपों की पूजा होती है वह अलग अलग रूपों में 9 दिन तक की जाती है। काली माता मंदिर से हम लाइव आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, और आज माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। माता चंद्रघंटा की पूजा के साथ नवरात्र का तीसरा दिन जो है वह मनाया जाता है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से जो भक्तगण है वह लगातार मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना लिए यहाँ पर दूर दराज से जो भक्त है वह पहुंच रहे हैं, और आरती पूजा पाठ हो रही है। सुबह शाम यहाँ पर महाआरती भी की जाती है, और लगातार जो नवरात्र का जो यह विशेष दिन है विशेष तरीके की पूजा की जाती, शाम को भी महाआरती की जाएगी। हमारे साथ मंदिर के जो पंडित जी है वो मौजूद है, बात करेंगे सीधे। पंडित जी, तीसरे दिन चंद्र घंटा माता की पूजा होती है, क्या कहेंगे? मैं नहीं दे पाऊंगा। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन भी माता का है पूर्ण दिन है। आज के दिन भी लोग बड़े उत्सव से आते मंदिर, और बाकी माता तो सबके ऊपर बरसाई रही अपनी कृपा। ऐसी हम माता से प्रार्थना कर रहे कि आप लोग के ऊपर अपनी कृपा बरताते रहे और हंसते खेलते रहे। होती है, कुछ भक्तगण भी हमारे साथ है। आप लोग कहाँ से आए हैं पूजा करने? आए माता काली माता के मंदिर आए? हम यही स्टाफ के हैं, रविंद्र कुमार चौबे स्टाफ के हैं, अगवंती बिहार से आए हैं। भैया आप कहाँ से आए? तो माता रानी के पूजा अर्चना करने के लिए जो भक्त है वहाँ पहुंचे हुए, अपनी मनोकामना को लिए यहाँ पर पहुंचे हुए रायपुर के काली मंदिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूं तो राजधानी रायपुर में और भी माताओं के मंदिर है लेकिन रायपुर के हृदय स्थल में जो है वह आकाशवाणी काली माता का मंदिर है, जहाँ पर भक्त सिर्फ रायपुर छत्तीसगढ़ से ही नहीं अपितु देश के कोने कोने से जो है यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। बिल्कुल, कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। माँ चंद्रघंटा के बारे में कहा जाता है कि कोई भी बाधाएं जो है प्रेत बाधाएं या फिर पाप हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। अगर आपका विकास करना हो, सौम्यता का विकास करना हो, निर्भयता का विकास करना हो तो माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है, और यही वजह है। और ये जो श्रृंगार हम देख पा रहे हैं मोनिका, हमने तस्वीरों में भी आपने दिखाया था कि किस तरह से माता का जो श्रृंगार है अद्भुत श्रृंगार आज के दिन होता है। वैसे तो नवरात्रि में 9 दिन माँ के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आज का जो श्रृंगार है, और पंडित जी से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने का विधान है, क्योंकि कहा जाता है कि माता की पूजा करने में कोई भी थोड़ी सी भी चूक जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो विशेष पूजा जो है वो अच्छे से पूरी तरह से विधि विधान से अगर हो तो माता जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। जी बिल्कुल, निर्भयता का प्रतीक है जो माता है चंद्रघंटा है। माता चंद्रघंटा की पूजा से भय डर नाम की चीज आसपास भी नहीं मंडराती, और माता का विशेष श्रृंगार जो है आज नवरात्रि के
तीसरे दिन भी जो है वह किया गया है, जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, रायपुर की काली माता मंदिर है और यहाँ पर माता का श्रृंगार किया गया है। पीले कलर का वस्त्र जो है माता को चढ़ाया गया है, साथ ही नींबू और गेंदा का जो माला है वह दिख रहा है आपको, साथ ही गुड़हल का फूल का विशेष श्रृंगार आज तीसरे दिन जो नवरात्र के वह किया गया है। और जिस तरीके से इस मंदिर का इतिहास रहा है कि यह मंदिर सालों पुराना है, वहां पर लोग दूर दराज से पहुंचते हैं दर्शन के लिए और अपनी मनोकामना लिए नवरात्र के 9 दिन ज्योति कलश की स्थापना करके यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मनोकामना लिए पहुंचते हैं और नवरात्र के पूरे 9 दिन राजधानी रायपुर समेत पूरे देशवासी भक्ति में डूबे नजर आते हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, कहां से आए हैं आप? मैं मोहा से आया हूं। मोहा से आए हैं आप, इतने दूर से आए हैं, माता से क्या मांग? माता से दुआ मांगता हूं, हर साल जोत जलाता हूं मैं, मेरे को 23 साल हो गया जोत जलाते। आप कहां से आई हैं? हम दोनों पति पत्नी हैं, वहीं से आए, जोड़ी में आए हैं आप लोग पूजा करने। माता रानी से क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? संसार में जितका भी प्राणी सब सुख शांति से रखना, आप सबका दर्शन करने हमेशा आते रहेंगे। तो जिस तरीके से आस्था का बिल्कुल, तो सुख शांति की कामना लिए, आशीर्वाद लेने के लिए माता के दरबार पर लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। हमारे साथ सनी मालवी भी जुड़ गए भोपाल से। सनी, माँ चंद्रघंटा की आज पूजा अर्चना हो रही है, कहा जाता है कि माँ को गोल्डन रंग पसंद है, भूरा रंग पसंद है, हरा रंग पसंद है और अगर ये धारण करे कोई भी साधक तो उनकी कृपा जो है वो माता की विशेष बनती है। माता को आज कहा भी जाता है कि सफेद चीजों का भोग जरूर लगाए। आप कौन से मंदिर में खड़े हैं और किस तरह का उत्साह जो है वो श्रद्धालुओं में देख पा रहे हैं? जी, राजधानी भोपाल में चैत्र नवरात्र की धूम मची और इस वक्त मौजूद राजधानी भोपाल के प्राचीन मंदिर माता मंदिर काली जी के मंदिर, जहां आज नवरात्र का तीसरा दिन है, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा सकती है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि माँ का किस तरह से श्रृंगार किया गया है भव्य तरीके से और लगातार यह प्राचीन मंदिर है। यहाँ इस मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है, जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लगातार देख सकते हैं किस तरह से मंदिर को, माता रानी को सजाया गया है, देख पूरे तरह से मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद है, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती। आज नवरात्र पर्व का तीसरा दिन है, आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। आज के दिन साधना करने से पराक्रम की प्राप्ति होती है, साधक बलिष्ठ बनता है, साथ ही बहुत मंगलकारी माँ जगदम्बे का स्वरूप माना गया आज के दिन का। आज के दिन साधना करने से भक्तों को उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज सफेद पुष्पों से माँ का अर्चन करना चाहिए और दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार माँ की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है इस मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है, करीब 150-200 वर्ष पुराना मंदिर है ये। यहाँ पर हम निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी पूजन अर्चन करते आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी भक्त श्रद्धा भाव से अपनी कामना रखता है, माँ से मांगता है, उसकी कामना अवश्य पूरी होती है। यही यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता। विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं क्षेत्र में? नवरात्र पर्व में तो निरंतर आयोजन चलते रहते हैं। अष्टमी को कन्या भोजन किया जाता है, नवमी को विशाल भव्य माता जी का हवन होता है, दुर्गा सरस्वती पाठ का हवन चलता है, हवन के उपरांत महाभोग का प्रसाद वितरण किया जाता है, उससे सब लोग अपना व्रत पूर्ण करते हैं। देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से माँ काली का, बिल्कुल माँ काली का भव्य श्रृंगार जो है वो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हमारे दर्शक भी सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे होंगे जिस तरह से आप सभी ने जो है वो दर्शन कराए हैं माता के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ही जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो आज उनके स्वरूप की पूजा अर्चना जो है वो खास तौर से हो रही है। माता को कहा जाता है कि सफेद रंग का जो है वो कोई भी चीज चढ़ाए, ब्राह्मण को दूध का दान करें पूजा अर्चना करने के बाद, तो माता जो है वो जल्द से प्रसन्न हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।